हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की जूलॉजी, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो होगा क्रोमेटोग्राफी का। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसका एम, थ्योरी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड्स और इसके कुछ फॉर्मूले और इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एम में आप ये लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और थ्योरी आप देखिए, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ मेथड यूज प्रीमियरली फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सैम्पल। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल, द सैम्पल और टू बी एग्जामिन इज अलाउड टू इंटरेक्ट विथ टू विजिबल फेजेस, अ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, ठीक है। द टू इनविजिबल फेजेस कॉल्ड बी अ सॉलिड एंड अ लिक्विड और अ गैस और अ लिक्विड और अ लिक्विड, ठीक है। एंड अनदर लिक्विड द स्टेशनरी फेज, द स्टेशनरी फेज विच मे बी अ सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड डज नॉट मूव द मोबाइल फेज मूव्स द सैम्पल दो द स्टेशनरी फेजेस, ठीक है। तो थ्योरी से भी आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। और इसमें आप पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड्स, जो टू टाइप्स में आप समझेंगे, थ्री टाइप्स में मतलब समझेंगे, वो होगा फर्स्ट बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, और सेकंड होगा बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, थर्ड लास्ट होगा आपका बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट आपका है उसमें आपके टू टाइप्स होंगे, ठीक है। एक फर्स्ट होगा प्लैनर क्रोमेटोग्राफी, सेकंड आपका होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो आप देखिए, ठीक है, इसको ये आपको प्रोवाइड होंगे नोट्स इसके, तो इससे आप समझिएगा, ठीक है। सेकंड आपका है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, ये कितने टाइप्स के होंगे आपके, बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ मोबाइल फेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट गैस क्रोमेटोग्राफी, सेकंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसी में इसके टाइप्स आपको समझेंगे फर्दर। बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज देयर आर टू सब ग्रुप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, वो है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन सिमिलर फैशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन बी सब ग्रुप इनटू लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और आपका थर्ड यहाँ पे जो है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, फर्स्ट है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्शियन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसका भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइड हो जा रहा है, तो इससे समझिएगा, ठीक है। इसमें इसका फॉर्मूला भी है, और फिर इसी के अंदर आप एक बार देख लीजिएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी आपका क्या है, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी आप समझ सकते हैं सर, छोटे फॉर्मूले से भी आप इसको समझ सकते हैं। और जो है आपका आर एफ इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई सबस्ट्रेट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट फिल्म, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो आपका आज का एक्सपेरिमेंट था, और आप डायग्राम द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। जिसके डायग्राम आपको प्रोवाइड हो रहे हैं वो है प्लैनर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।